सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। आज मैं आप सभी को अपने शब्दों के ताने बानों से बुनी अपनी लघु कथा अधूरी दास्तां सुनाने जा रही हूँ। जैसे सूरज कभी उदित होना नहीं भूलता और अपने उजाले से दुनिया को रोशन करता है, तुम भी कभी मुस्कराना मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान बहुतों की खुशी का कारण बनेगी। अस्मिता मैसेंजर पर किसी अनजान आईडी से आए इस मैसेज को पढ़ मुस्कुरा उठी स्वतः ही। अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझी थी कि स्वयं अपनी ओर ध्यान ही नहीं जाता था। थोड़ी हिचकिचाहट हुई कि जवाब दे या नहीं, फिर हिम्मत करके धन्यवाद लिख ही दिया। यहां से शुरू हुई एक दोस्ती जिसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, बस कुछ लम्हे सामान्य बात कर मन खुश हो जाता था। एक दूसरे के बारे में परिचय का आदान प्रदान हुआ, ईमानदारी और सरलता से पूर्ण वार्तालाप। लेकिन शायद अच्छी बातों की और खुशियों की उम्र कम ही होती है। धीरे धीरे दोस्ती प्रगाढ़ हुई किंतु मर्यादित, और एक दिन रोहित ने कुछ ऐसा लिख डाला, अस्मिता क्रोध से उबल गई, अच्छी खासी डांट पोस्ट कर दी और खत्म हो गया एक सुंदर रिश्ता। रोहित ने माफी मांगी, कॉल्स किए, किंतु अस्मिता तो जैसे पत्थर हो गई और उसने कोई जवाब ना दिया। रोहित की बातें उसकी फिलॉसफी से मेल नहीं खाई, उसके आदर्श मूल्य बचपन से समाज और परिवार ने जो उसके व्यक्तित्व में बुन दिए थे वो उनसे बाहर ही नहीं निकल पाई, और एक सुंदर रिश्ता ज्यादा पाने की चाहत और क्रोध की अग्नि में आहुत हो गया। किंतु आज भी वो शब्द जिनसे दोस्ती का आगाज हुआ, अस्मिता के मन में गुंजित होते रहते हैं। जैसे सूरज कभी उदित होना नहीं भूलता और अपने उजाले से दुनिया को रोशन करता है, तुम भी कभी मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान बहुतों की खुशी का कारण बनेगी। एक अधूरी दास्तां जो बहुत मीठी थी, लेकिन अधूरी होकर भी अजर और अमर बन गई। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को ये अधूरी दास्तां पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ रेडियो हिंदुस्तान पर।